इफ पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉन टू बी विद इन 10^-12 मीटर, द अनसर्टनिटी इन इट्स मोमेंटम, राइट। तो पहला क्या है, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन टू बी विद इन 10^-12 मीटर में, ठीक है, यानी कि हाइजेनबर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि डेल्टा एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल एक्स क्या है 10^-12, डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्या है 6.6 इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.14, ठीक है। अब डेल पी को सॉल्व करो, ये वाला आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेशन हमें पता है 4 इंटू 3 12, 6 अपॉन 12 1/2, 1/2 0.5, यानी कि कुछ 5 पॉइंट कुछ आया होगा, यानी कि 0.5 कुछ आया होगा इंटू 10^-34 है, और ये 10^12 डिनोमिनेट में आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12। अब पॉइंट डेसिमल में हटाओगे तो -1 ऐड हो जाएगा उसका, तो 34+12 कितना हो जाएगा, -34+12 22 एंड -1 देन 10^-23, राइट। और वो किस में आएंगे, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। अब डेल पी आ गया, देखो यहाँ पे पहले बात तो न्यूमेरिकल से ही पता लगा सकते थे कि 5 पॉइंट आएगा, आगे की कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी 10^-12 आपने देखा तो 10^-23 ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो जितने भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन है उसमें आप बच्चे को प्रैक्टिस कराओगे कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, कैसे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध आंख बंद की और कैलकुलेशन करवाई बच्चों से, ना तो आपको करनी है और ना ही बच्चे को करवानी है,